हेलो एवरीवन, मैं सोमना आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग सियाज़म हब में। आज है जीएस एक्सप्रेस का तीसरा दिन और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री के टॉप 20 मिक्स्ड क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप रेलवे NTPC ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर से ही देखना चाहिए। तो ज़्यादा देरी नहीं करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ हेलोजन फैमिली डज नॉट एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट। आंसर होगा एस्टेटीन। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक लाइट वेट बट स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक। आंसर होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स सर्व्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ लेड स्टोरेज बैटरी। आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। फिर है, ओजोन इज अ डैश ऑफ ऑक्सीजन। आंसर होगा एलोट्रॉफ। नेक्स्ट है, द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू मेक नेचुरल रबर स्ट्रॉन्ग एंड मोर बाउंसी इज। आंसर होगा सल्फर। फिर है, विच फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिसल्स फॉर अ टूथब्रश। आंसर होगा नायलॉन 66। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आंसर होगा टोलुइन। आगे है, द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ नेचुरल गैस इज। आंसर होगा मीथेन। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। आंसर होगा गामा रे। नेक्स्ट है, मेटल कैन बी इन डैश स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आंसर होगा लिक्विड और सॉलिड। फिर है, इन एक्वारेजिया विच टू एसिड्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 3:1। आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है, व्हाइट फॉस्फोरस इज ऑलवेज केप्ट अंडर डैश। आंसर होगा वाटर। नेक्स्ट है, विच एसिड इज फाउंड इन एप्पल्स। आंसर होगा मैलिक एसिड। आगे है, PET इज वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ डैश। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल्स। आंसर होगा पॉलिएस्टर। नेक्स्ट है, लाफिंग गैस इज द कॉमन नेम ऑफ विच केमिकल कंपाउंड। आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। फिर है, ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड। आंसर होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। आंसर होगा डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वॉटर। फिर आगे है, कैटालाइटिक कन्वर्टर्स आर जनरली मेड फ्रॉम। आंसर होगा ट्रांजिशन मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन इज अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, विच न्यूक्लियाई गेट फ्यूज्ड इन सन्स एटमोस्फेयर। आंसर होगा हाइड्रोजन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉलिड। आंसर होगा हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।